अपने निजी दौरे पर विदिशा आए मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंघार के आरोप पर कहा कि उन्हें जो कहना है कहे, जो करना है करे, जांच कराना है करा ले। शिवराज ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर भी निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सरकार कौन चला रहा है पता ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री कुछ भी कर रहे हैं, मध्यप्रदेश को पूरा बर्बाद कर दिया, योजनाएं सारी बंद कर दी, किसान परेशान है। यही पता नहीं चल रहा कि सरकार असली कौन चला रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो अफसर के कक्ष में घुसते हैं और घुस के वहां निर्देश देते हैं कि फलाना फलाना काम करो, ये शुगर मिल बेच दो। अब अलग अलग विभागों के अफसरों में समन्वय का काम मुख्यमंत्री का है, पूर्व मुख्यमंत्री का नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वही सुपर हैं। असली अजीब हालत बनी है। और उमंग सिंघार कहते हैं कि वो रेत बेच रहे हैं, दारू बिकवा रहे हैं, ब्लैक मेलर हैं। अब पहले तो इसी का सोचो कि कौन सरकार चला रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर से ही अब सवाल उठ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सवाल उठा रहे हैं, कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ, जो वादा किया उसे निभाओ, कर्जा माफ करो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह रहे हैं कि जो वादा किया है वो निभाओ, कर्जा माफ नहीं हुआ वो भी मानते हैं। अब पहले तो जो वादे किए वो तो पूरे करो। सवाल बाहर से नहीं, कांग्रेस के अंदर से उठ रहे हैं। योजना सारी बंद कर दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुई बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, सरकार अब उन्हें मुआवजा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, विदिशा।